हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एचसीएफ और एलसीएम के इंपॉर्टेंट और रिवीजन क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आइए देखते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 24 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 24 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 4 5 का 24। फ्रेंड्स, ये 4 का मतलब क्या है? 4 क्या आया? 4 आया हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसमें ये 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। अगर मैं इस 4 को 24 में से माइनस कर दूं, तो जो भी आंसर आएगा वो इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं फिर से बता रहा हूं कि रिमाइंडर, अगर मैं 24 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 4। 4 मतलब क्या? रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या होता है कि इस नंबर में जो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से, इस नंबर में 4 ज्यादा है। अगर इसमें 4 ज्यादा है तो हमने क्या, अगर इसमें ज्यादा है तो 24 को मैं अगर इस नंबर में से माइनस कर दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा जो इस नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता था। और एक और चीज है, तो ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन वाला केस कि सीधा माइनस कर देते हैं तो जो आंसर आ गया वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। एक और है, एक होता है एडिशन कि मैं इस 24 में और कितने नंबर में प्लस करूं कि ये नंबर 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। 24 में मैं कितने नंबर प्लस करूं कि जो नंबर मेरे पास नंबर आया वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए 24 में 4 ज्यादा तो है, ठीक है, तो 4 तो इसमें है ही, पहले से पड़ा हुआ है, तो 4 इसमें पड़ा हुआ है, ज्यादा है, क्योंकि अगर इसमें माइनस कर दो तो मेरे पास 20 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मींस फ्रेंड्स 4 तो इसमें ज्यादा है ही, इस नंबर में 4 तो पड़े हुए हैं, पहले से पड़े हुए हैं, तो मैं इसमें कितने नंबर में और प्लस कर दूं, कितना नंबर में और प्लस करूं? 4 इसमें पड़ा हुआ है, अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूं तो 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5, तो 5 तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसीलिए 1 इसमें प्लस करूंगा तो 25 बन जाएगा, तो ये नंबर जो है ये इस 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैंने क्या किया कि रिमाइंडर होता है 4। रिमाइंडर 4 का मतलब क्या है? इस 24 में ये 4 ज्यादा है, तो 4 तो भैया इसमें ज्यादा है ही, तो और मैं कितने प्लस करूं क्योंकि मैंने मेरे 5 से डिवाइड करना है। 4 में मैं 1 प्लस कर दूं तो 5 बन जाएगा, तो 5 तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब इसका मतलब यह है कि इसमें मैंने 1 प्लस किया तो क्या बन गया? 25, तो 25 तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो एक ऐसा नंबर है जो एडिशन करना पड़ेगा इस नंबर में। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको जो मैं बताना चाहता हूं वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आइए फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 12 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। 3 डिजिट का ऐसा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर बताओ जो 6 9 और 12 तीनों से डिवाइड होता है, और जब वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर, वो जब ये तीनों नंबर से डिवाइड होता है तो हमेशा वो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है? 3। तो पहले तो ये देखना है कि यार 6 9 और 12 से, तीनों से कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो तीनों से डिवाइड होने का मतलब क्या है? इनका एलसीएम, तो एलसीएम निकालो। एलसीएम मैंने बताया था कि एलसीएम कैसे निकालना है, तो 3 ट्रिक बताई थी मैंने। सो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into 2, ठीक है। 9 को मैंने लिखा 3 into 3, तो 3 into 2 into 2, ठीक है। तो बस फिर तो अपना 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? ये वाली, तो लिखो फिर 2 into 1, 2 raised to power फ्रेंड्स 1। सो फ्रेंड्स पहले मैंने लिया 2 की वैल्यूज, 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है इन दोनों में? यही है। 3 की बड़ी पावर कौन सी है? ये वाली है, ये भी लिख दी मैंने। अब रह कितना गया इन दोनों में? इन दोनों में 3 की पावर कौन सी है? ये वालों में 3 ये लिख दिया मैंने, और 2 ये बच गया लास्ट में। मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 9 into 4, दैट इज इक्वल टू 36। 36 हमारा क्या आ चुका है? एलसीएम। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज समझ में आई होगी।
36 इसका आ चुका है LCM. LCM का मतलब क्या होता है कि 36 ऐसा अकेला नंबर है जो 12 से सॉरी सबसे छोटा से छोटा नंबर ऐसा है जो 12 से भी डिवाइड है और 9 से भी और 6 से भी डिवाइड है. बस फिर LCM निकाल चुके हैं. तीन नंबर पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 999. ठीक है फ्रेंड्स, तो 36 से इसको डिवाइड किया. सो फ्रेंड्स मैंने डिवाइड किया तो 36 × 2 72 ते 7 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे और 29. तो 36 × 8 ना करो मल्टीप्लाई से 48 से 4 से 24 और 28 288 शिट 7 ना करना पड़ेगा 7 सच की 42 से 4 से 21 से 4 25 252 तो ये कितना है 7 2 27 तो 27 हमारा क्या आ चुका है रिमाइंडर. इसका मतलब क्या है कि 27 रिमाइंडर क्या है कि इस नंबर में 27 ज्यादा है. अगर इसमें मैं इसमें 27 कम कर दूं तो जो नंबर आएगा वो पूरा पूरा 36 से डिवाइड हो जाएगा. बिल्कुल, तो करो फिर क्या दिक्कत है, कर दिया हमारा माइनस हमें दो सॉरी एक मिनट आई एम सॉरी फ्रेंड्स कहीं तो भी गलती हुई शायद 2 72 7 2 9 36 × 7 42 4 7 21 4 25 252 सही है तो 7 2 27 तो ऑप्शंस गलत है क्या. 999 में 27 माइनस किया कितना है 2 और 7 और 9 972 ही क्या. अच्छा ठीक है फ्रेंड्स 972 जो है वो नंबर आया ना जो 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. जो 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. 36 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से भी और 6 से भी डिवाइड हो रहा है. ठीक है, बट हमें क्या आ गया है कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा है बट तीन रिमाइंडर छोड़ रहा है हमेशा. तो ये नंबर तो पूरा पूरा ऐसा है ना. चंगी गल नहीं थी. हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो 972 फ्रेंड्स क्या है हमारा वो नंबर आया जो सभी नंबर से 36 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है. मतलब ये 12 से भी डिवाइड है 9 से भी 6 से भी, बट रिमाइंडर हमें हमेशा कितना चाहिए 3. तो 3 इसमें प्लस कर दो तो आंसर क्या बन जाएगा 975. तो 975 ऐसा नंबर है जो जब मैं इसको तीनों से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा रिमाइंडर 3 छोड़ेगा. तो डेफिनेटली थर्ड हमारा राइट आंसर होगा. मैं फ्रेंड्स फिर से बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन था. ग्रेटेस्ट नंबर पता करना था 3 डिजिट का. ठीक है, 3 डिजिट का नंबर पता करना था 6, 9 और 12 तीनों से नंबर जो डिवाइड हो रहा है वो 36 हो रहा है. मतलब इनका एलसीएम डिवाइड किया रिमाइंडर आया 27. इस नंबर में से ये नंबर माइनस किया तो ये आ गया 972. 972 नंबर क्या आया हमारे पास जो 36 से पूरा पूरा डिवाइड है. मतलब ये 12 से भी डिवाइड है, ये 9 से भी और ये 6 से भी डिवाइड है. ठीक है फ्रेंड्स तो 972 क्या था, ये पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है 36 से, मतलब 12 से भी डिवाइड है 9 से भी 6 से भी, बट हमें क्या चाहिए रिमाइंडर हमेशा 3 चाहिए. ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड है तो रिमाइंडर हमें क्या चाहिए 3. 3 हमेशा रिमाइंडर आना चाहिए. तो मतलब मैंने 3 प्लस किया तो ये नंबर आ गया मेरे पास जो जब ये तीनों नंबर से डिवाइड करूंगा तो हमेशा मेरे पास 3 हमेशा रिमाइंडर आएगा. आइए फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन करते हैं. सो फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर वाला ऐसा नंबर जो 4 से भी डिवाइड हो, 7 से भी और 13 से भी. बड़े से बड़ा 4 डिजिट वाला ऐसा नंबर कौन सा है जो 4 से भी डिवाइड है, 7 से भी और 13 से भी, और हमेशा वो रिमाइंडर जो है वो 5 छोड़ रहा है. ठीक है, आइए पहले हमें क्या करना है इस इनका एलसीएम. एलसीएम निकालने का मेन मोटिव क्या है कि इन तीनों से नंबर पहला एक एक्चुअल नंबर कौन सा है जो तीनों से डिवाइड है. तो 4, 7 और 13 ये तो यार सभी एक दूसरे के को प्राइम है. तो मतलब सीधे मल्टीप्लाई करो, जब भी नंबर्स को प्राइम में हो सीधे मल्टीप्लाई कर दो. 13 × 7 91 ठीक है, 91 × 4 4 36 364. तो इसका मतलब ये है कि 364 जो है ये इनका एलसीएम आ चुका है. ठीक है फ्रेंड्स, तो 364 इनका एलसीएम आ चुका है. इसका मतलब ये है कि 364 नंबर कौन सा है जो 13 से भी डिवाइड है, 7 से भी और 4 से भी डिवाइड है. ठीक है, तो 4 डिजिट वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली, इसको करो डिवाइड बस. और 364 4 बार डिवाइड करो बस आंसर आ जाएगा. तो 2 से 8 यहां से करेगा 8 12 1 6 और 6 7 728. ठीक है, गॉट दैट. ठीक है, तो 1 7 2 9
ठीक है फ्रेंड्स, तो 364 × 7 आज 44 × 4 = 21 + 4 = 25 171 क्या आ चुका है हमारे पास रिमाइंडर, बस फिर रिमाइंडर आ चुका है, माइनस करो तो 171 माइनस किया तो 8 2 8 9 8 9 8 2 8 हमारा ये तो आ गया हमारे पास 9 8 2 8 आई एम सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 8 2 8 सॉरी यहाँ पे है रिमाइंडर 9 8 3 3 9 8 3 3 यहाँ पे क्या है हमारा वो है ऑप्शन है ठीक है। तो 9 8 2 8 क्या आया हमारे पास, 9 8 2 8 वो नंबर आया जो 364 से पूरा पूरा डिवाइड है। 364 से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि वो 6 7 4 से भी डिवाइड है, वो 7 से भी, वो 13 से भी डिवाइड है, बट हमें हमेशा रिमाइंडर किस क्या चाहिए 5, हमें हमेशा रिमाइंडर 5 चाहिए। ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड है, अगर इसमें मैं 5 प्लस कर दूं तो वो नंबर आ जाएगा मेरे पास जो जब भी मैं उसको 364 से डिवाइड करूंगा तो वो तीनों से जब डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमारा 5 ही छोड़ेगा। तो मतलब 9833 सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 16 18 20 25। जदों छोटा छोटा नंबर दसो जे जदों उस नंबर नु 16 18 20 25 दे नाल डिवाइड करते हैं तो वो 4 हमेशा रिमाइंडर छोड़ता है, और जब उस नंबर को 7 से डिवाइड किया जाता है तो वो नंबर कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। इसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर, जब जैसे कोई भी नंबर है जैसे 20 है, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया रिमाइंडर भी जीरो छोड़ जीरो आया। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है, ठीक है 4 से। तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि वो जो लीस्ट नंबर है ना, जब वो जो लीस्ट नंबर है, जब उस लीस्ट नंबर को When divided by 7, it leaves no remainder. मतलब वो नंबर जो है वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड है। तो देखो ना यहाँ से, पहले यहाँ से देख लेते हैं कि 7 से नंबर कौन कौन सा डिवाइड है। देखते हैं 7 × 7 = 14 3 × 3 = 28 2 × 0 = 7 6 = 4 ये पहला ऑप्शन 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ये ऑप्शन से कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। अब देखते हैं इसका 7 × 14 = 6 = 4 × 0 = 7 × 5 = 5 × 0 ये भी डिवाइड नहीं। अब देखते हैं 18 7 × 14 = 4 × 0 = 7 × 5 = 35 × 5 = 0 = 7 ये डिवाइड हो रहा है 7 से। अब ये डिवाइड हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, 7 × 14 = 4 × 0 = 7 × 5 = 35 × 5 = 0 × 0 = 1 = 12 ये भी डिवाइड हो रहा है। तो डेफिनेटली आंसर क्या है हमारा 3rd दोस्तों, यहाँ से तो ऑप्शन से हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने कैसे करना है, क्या बताया गया, क्या बताया था कि द लीस्ट नंबर बताओ जो जब उसको 16 से 18 से 20 से और 25 से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा रिमाइंडर 4 लेकर आ रहा है, और जब उस नंबर को जो एक्चुअल नंबर है उसको जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो वो हमेशा रिमाइंडर 0 आता है। मतलब ये है कि वो जो नंबर होगा वो नंबर 7 से पूरा पूरा डिवाइड है, और 7 से नंबर अकेला ये डिवाइड है, ठीक है। एक तो ये हो गया ऑप्शन से, और आपने अगर ऐसा क्वेश्चन सेम आ जाए ऑप्शन तो ऑप्शन से करना है, और अगर हमने निकालना है आंसर निकालना है तो वो भी निकाल लेते हैं। 16 18 20 और 25 का पहले हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2^4 इसको 9 × 18 = 3 × 2 एक मिनट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2^4 इसको लिख सकता हूँ 3^2 तो 4 × 5 = 2 × 5 तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स 2^2 जो है वो बड़ी कहां से कहां पे है, ये वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स तो हम जो 2^2 है, जो 2 की बड़ी पावर है, 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 1 2^2 ये इनमें 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली। 3 की सबसे बड़ी पावर ये लिखी हुई है हमने, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ रहेगी, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा 9 × 16 इसको फ्रेंड्स आपको मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आएगा, तो 3600 क्या आ चुका है इसका एलसीएम, बस फिर 3600 इसका एलसीएम आ चुका है। तो 3600 को
ये कितने नंबर वाली है, सॉरी 3600 जो है वो क्या है, ये इन 16, 18, 20 और फ्रेंड्स तो क्या है इसमें 16, 18, 20 और 25, ये ऐसा नंबर है, ये तीनों से डिवाइड है, ये चारों से डिवाइड है, बट हमें क्या चाहिए रिमाइंडर, हमें हमेशा चार चाहिए, तो इसमें चार प्लस करते क्या आ गया 3604। 3604 ऐसा नंबर है जो जब भी मैं 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करूंगा तो मेरा हमेशा मेरा चार रिमाइंडर आएगा बस। फिर तो अगर ये चाहिए क्या 7 से डिवाइड होगा, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर वो भी।